ब्रेकिंग अपडेट RRB रेलवे NTPC एग्जाम डेट एडमिट कार्ड 2019। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके रेलवे RRB NTPC एग्जाम डेट एडमिट कार्ड 2019 की एक बिग ब्रेकिंग अपडेट के साथ। क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं, रेलवे NTPC परीक्षा 2019 बोर्ड चेयरमैन ने दिया बयान। जी हाँ, RRB बोर्ड चेयरमैन की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कि आपके NTPC एग्जाम डेट के बारे में कुछ नए बयान, कुछ नई जानकारियाँ दी गई हैं, जिसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हम आपको दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। और इसी के साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने रेलवे NTPC एग्जाम डेट 2019 के लिए पल पल की अपडेट, यानी कि अपने एग्जाम डेट के लिए और एडमिट कार्ड के लिए पल पल की अपडेट, हर सेकंड की अपडेट चेक कर सकते हो सबसे पहले। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले फटाफट से काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों तक शेयर करके ये जानकारी पहुंचा दीजिएगा और सभी को अपडेट दे दीजिएगा उनके रेलवे NTPC एग्जाम डेट 2019 के लिए। और इसी के साथ ही साथ अगर आपको चाहिए एडमिट कार्ड की अपडेट सबसे पहले, तो दोस्तों उसके लिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को रेड बटन के बॉक्स पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही आपके NTPC परीक्षा के लिए कोई नई अपडेट, कोई नई जानकारी आए, तो हम आप तक सबसे पहले लाइव आकर के आप सभी को वीडियो के माध्यम से भी बता सकें। तो दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपने रेलवे NTPC एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड 2019 के लिए अपडेट चेक करनी है सबसे पहले। तो अपने रेलवे RRB NTPC एग्जाम डेट एडमिट कार्ड 2019 की पल पल की अपडेट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आना है SarkariExam.com पे, जहां मिलती है अपडेट सबसे पहले। सरकारी एग्जाम पे आने के बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे न्यू अपडेट के सेक्शन में, और यहाँ पे एडमिट कार्ड के सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी आपके रेलवे NTPC एग्जाम डेट एडमिट कार्ड 2019 की। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है RRB NTPC एडमिट कार्ड 2019। इस पेज को देखने से पहले दोस्तों यहाँ पे ऊपर का समय देख लीजिएगा, यहाँ पे 7 जून 12:01 यानी कि कुछ ही घंटों की पहले की ये अपडेट है। और जैसा कि मैंने कहा, सरकारी एग्जाम की पैनी निगाह बनी हुई है आपके RRB NTPC एग्जाम डेट एडमिट कार्ड 2019 के ऊपर, जिसकी अभी जो नई सूचना आ रही, जो नई अपडेट, जो नई जानकारी आ रही है, अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों अपने एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड 2019 के लिए अपडेट चेक करने के लिए इस पेज पे आने के बाद आपको सबसे नीचे आना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड टेक केयर, यहाँ पे लिखा है बहुत ही जल्द होगा जारी। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी आप सभी को बता दें कि आपके RRB NTPC एग्जाम 2019 के लिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे चल रही है फ्री लाइव क्लासेस। जी हाँ, आपके NTPC की तैयारी के लिए फ्री लाइव क्लासेस चल रही है, जिसका पूरा शेड्यूल आप सरकारी एग्जाम पर विजिट करके चेक कर सकते हो। अपना शेड्यूल चेक करने के लिए सरकारी एग्जाम पे आओ। इसके बाद आप इस बॉक्स में यहाँ पे लिंक दिखेगी फ्री ऑनलाइन क्लासेस की, और आपके फ्री क्लासेस के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अब आप इन सारी चीजों को अपने मोबाइल पर भी चेक कर सकते हो, और अपने मोबाइल में चेक करने के लिए आपको इंस्टॉल करना होगा सरकारी एग्जाम का एंड्रॉइड ऐप, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दी है। और आपके एग्जाम डेट की सूचना, जिसमें कि RRB बोर्ड की तरफ से एक नया बयान आया है, RRB बोर्ड चेयरमैन की तरफ से एक नया बयान आया है। और दोस्तों आपको बयान की अपडेट और आपके एग्जाम डेट की ब्रेकिंग अपडेट बताने के लिए हम लेके आए हैं द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है RRB NTPC एडमिट कार्ड 2019 टू बी रिलीज ऑन दिस डेट। जी हाँ, यहाँ पे डेट आपकी बात की गई है, यहाँ पे ये खबर है। तो इस खबर को पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द बोर्ड विल अनाउंस द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन वेरी सून, द एग्जामिनेशन will be conducted on a period of 10 to 15 days, मतलब 10 से 15 दिनों तक आपका रेलवे NTPC एग्जाम चलेगा। ये किसने कहा है? तो ये कहा है सेट द RRB गुवाहाटी चेयरमैन। जी हां, RRB गुवाहाटी के चेयरमैन ने ये बात कही है द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, ये पता चल रहा है। जब इसमें नीचे पढ़ेंगे तो दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है amid speculation over the release date for railway recruitment board RRB NTPC admit cards chairman of RRB गुवाहाटी चंद्रजीत शकिया क्वेश्चन मीडिया रिपोर्ट्स प्रेडिक्टिंग द डेट्स इवन बिफोर द एग्जामिनेशन शेड्यूल हैज बीन अनाउंस्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकिया सेड व्हेन द बोर्ड हैज नॉट डिसाइडेड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हाउ कम द मीडिया रिपोर्ट्स प्रेडिक्ट द डेट ऑफ रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, द बोर्ड विल कंसल्ट एवरी ऑफ जोनल ऑफिसर्स बिफोर फाइनलाइजिंग द एग्जाम डेट NTPC एग्जामिनेशन ही सेड। जी हाँ, अगर इस खबर की माने दोस्तों तो यहाँ पे ये खबर आ रही है, ये जानकारी आ रही है। जैसा कि RRB गुवाहाटी चेयरमैन ने कहा है, नया बयान दिया है कि सबसे पहले आपकी जो NTPC की परीक्षा है वो 10 से 15 दिनों तक ही चलेगी। और रही बात अब एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की, तो दोस्तों यहां पे आपका RRB बोर्ड लगा हुआ है, सभी जोनल ऑफिसर्स से यहां पे स्वीकृति पाने के बाद, मतलब सबसे यहां पे एक्सेप्टेंस पाने के बाद आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर की जाएगी और यहां पे तय कर दी जाएगी कि आपकी एग्जाम, जो आपकी परीक्षा तिथि है, वो कब से कब तक आपका एग्जाम होना है। और यहां पे लास्ट लाइन में क्या लिखा है, द बोर्ड विल अनाउंस द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सून ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट। जी हां, बहुत ही जल्द आपकी जो RRB NTPC एग्जाम डेट 2019 के लिए सूचना है, जो अपडेट है, बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगी, जिसे कि आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं SarkariExam.com पर। जी हाँ, जिस तरीके से आपको आपके पिछले भर्ती की, यानी कि रेलवे ग्रुप डी की और RRB ALP की अपडेट सबसे
से पहले मिलती आई थी सरकारी एग्जाम से। तो दोस्तों आपको आपके रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट एडमिट कार्ड 2019 की भी अपडेट सबसे पहले मिलेगी sarkariexam.com से। तो फ्रेंड्स अपना आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट एडमिट कार्ड चेक करने के लिए लगातार विजिट करते रहिए sarkariexam.com। बने रहिए हमारे साथ सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। और हाँ दोस्तों अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए सरकारी एग्जाम के एंड्रॉइड ऐप ताकि आपको अपडेट मिल सके सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।